असली हीरोपंती लोगों से जीतने में नहीं, लोगों को जीतने में। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ चूंकि। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हीरोपंती 2 मूवी के बारे में। तो देखो, अगर आप सभी को नहीं पता तो हीरोपंती 2 मूवी 29 अप्रैल को रिलीज हो रही है और ये अपने हीरोपंती 1 का सीक्वल है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इस मूवी की स्टोरी बिल्कुल अलग है अपनी पिछली मूवी से। और आज हम यही पता करने की कोशिश करेंगे कि हीरोपंती 2 की स्टोरी क्या हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, ट्रेलर में तो देख के ये लग रहा है कि लैला साइबर क्राइम का मास्टरमाइंड है। तो कहानी कुछ ऐसी हो सकती है, तो जब बबलू छोटा था तो उसके पापा को नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने या लैला ने मार दिया था। और बड़ा होने के बाद उसकी माँ ने बताया कि उसके पापा को किसने मारा, इसलिए वो ज्वाइन करता है साइबर क्राइम की दुनिया को। इसमें वो लैला के साथ भी दिख रहा है और गवर्नमेंट के साथ भी, लेकिन आखिरी में तो एक ही बात होती है, वो गवर्नमेंट के साथ ही होगा क्योंकि बबलू इस मास्टरमाइंड का दिमाग है, वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है। इस मूवी में बबलू के कुछ पर्सनल इशू भी हो सकते जिससे वो लैला से बदला ले। मूवी में धमाकेदार एक्शन के साथ साथ गाने भी अच्छे हैं, लेकिन इसका फर्स्ट ट्रेलर बहुत बकवास था, सेकंड ट्रेलर अच्छा था। तो देखा जाए तो इसकी स्टोरी को ठीक ठाक लग रही है मुझे तो, और मैं इस मूवी को जरूर देखने जाऊंगा। उसके पापा को मार दिया, फिर वो बदला लेने के लिए उधर जाएगा, उसका भरोसा जीतेगा, फिर हमारे कंट्री का साथ देगा, लाला को पकड़ाएगा। इस मूवी में इमोशन भी है, एक्शन भी है और ड्रामा सब कुछ है इस मूवी में। लेकिन पता नहीं है हमें इसकी स्टोरी दमदार देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इसकी स्टोरी यही होगी और वो अपने पर्सनल दुश्मनी के कारण लैला को बर्बाद करने की ठान लेगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है, मैं फर्स्ट टाइम आइडिया लगा रहा हूँ कि मूव में क्या हो सकता है। तो चलो, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है आपके रेडियो तब तक के लिए बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चार हीरोपंती 2 देखने।